अस्सलाम वालेकुम। रहमानी बाबा मैरिज वेलफेयर के साथ जो भी लोग अटैच हैं तो उनके लिए एक न्यू अपडेशन हमने की है कि व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास होगा, आपको जस्ट मैसेज एक जाएगा। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई हम व्हाट्सएप ये चेक नहीं कर सकते, यूट्यूब चेक नहीं कर सकते, या इतना टाइम नहीं है कि हम फेसबुक चेक करें। हम डेली जो भी लोग अटैच होंगे रहमानी बाबा मैरिज वेलफेयर के साथ, उनको पंजाब लेवल के रिश्ते उनके व्हाट्सएप पे ही कर दिया करेंगे, शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन भेजा करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो देन उनको कंप्लीट उनकी प्रोफाइल उनकी डिटेल वगैरह मिल जाएगी। तो ये हमने अपडेट किया है। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं जाना चाहते हैं, अब इसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे ही सब कुछ मिलेगा। और ये जो हमने सेंड किया करने हैं प्रपोज़ल, सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही ये मैसेज जाया करेगा जो रहमानी बाबा मैरिज वेलफेयर के साथ अटैच हैं शुरू से, यानी कि 2 साल हो गए हैं रहमानी बाबा मैरिज वेलफेयर को बने हुए। तो शुरू से लेकर अब तक जो भी रहमानी बाबा मैरिज वेलफेयर के साथ अटैच था और है, उन सबको मैसेजेस जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फेसबुक हम चेक करें या यूट्यूब चेक करें, वो चेक करनी है तो करें, अदरवाइज़ रिश्ते आपकी दहलीज़ पे। और कुछ जो भाई बहन न्यू भी हैं हमारे इस चैनल पे या हमारे फेसबुक पे जो हमारी ये वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए है कि जो भी रहमानी बाबा मैरिज वेलफेयर के साथ अटैच होना चाहता है, हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं 1000। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, हमारे सर्विस चार्जेस 1000 जो हैं ये तब तक के लिए वैलिड हैं जब तक आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो जाता। ये नहीं है कि आपको हम एक दो रिश्ते बताएं उसके बाद हम कहें कि आपके पैसे ख़त्म जी, दोबारा हमें अपडेट करवाएं जी, हमें पैसे दें, ये दें वो दें, ठीक है। 1000 ये तब तक के लिए जब तक आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो जाता। फीस वगैरह बाद में होती है, वो फैमिली की मर्ज़ी की होती है, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी चलती है कि वो जितनी मर्ज़ी करें, ठीक है जी। ये हमारा सिस्टम है, अगर आपको हमारा सिस्टम पसंद है तो ये कमेंट्स सेक्शन में हमारा एक ये फॉर्म भी पड़ा हुआ है, उधर से आप कॉपी पेस्ट करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ का ना हम कॉल वगैरह रिसीव नहीं करते, तो आपने क्या करना है, अगर न्यू आने वाले हो आप या कोई ओल्ड भी है वो कॉल पे कॉल करता रहता है, उसे चाहिए कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ दिया करें, ठीक है। न्यू आने वाले अगर कॉल वगैरह नहीं रिसीव होती, आप नंबर सेव करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, अपनी डिटेल वगैरह सेंड करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने सर्विस चार्जेस पे करने हैं या नहीं। अगर हमें पता हुआ कि आपके रिलेटेड हमारे पास काफ़ी पाइपलाइन है तो हम आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे, अदरवाइज़ फिर तब तक के लिए आपसे वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे जब तक आप के लिए प्रॉपर पाइपलाइन ना हो, यानी कि कोई रिश्ते